हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओलेबल गुरुजी। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले बता दिया था कि आज कोई क्लास नहीं है, आज एक स्पेशल क्लास आई है जो कि मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। इसमें सिर्फ आपकी बात होगी, ठीक है ना। जैसे मैंने कम्युनिटी टैब में आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था कि इस बार नो क्लास, सिर्फ आपकी बात। चैनल को जो आपका जितना प्यार मिला है, इस सब के साथ जिस तरह से आप लोगों ने कमेंट किए हैं, बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं थैंक यू के लिए, क्योंकि आप लोगों के जो प्रैक्टिकल हुए हैं बहुत ही अच्छे हुए हैं, वाइवा भी आप लोगों का बहुत अच्छा गया है। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए, जो भी आप लोगों ने इतना प्यार चैनल को दिया है, मैं उसके रिगार्डिंग आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊं, ठीक है। क्लासेस तो हम लोग डेली करते हैं और अपनी कंटिन्यू भी करेंगे, ठीक है। तो जो लोग भी चैनल पर नए आए उन्हें मैं बता देना चाहता हूं, ओ लेवल गुरुजी पर आपको कंप्यूटर के सारे कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। और हमारी वेबसाइट है careersknowledge.in, जिस पे आप विजिट करके जा सकते हैं और वहां पे कंप्लीट आपको नोट्स, हमारे फ्री नोट्स भी आपको मिलेंगे। और काफी स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही है, जो मैंने कम्युनिटी टैब में बताया था कि आप लोग को कौन सी बुक पढ़नी है आपके प्रैक्टिकल के बाद, तो मैंने तीनों चारों बुकों के नेम वहां पे दिए हुए हैं। तो अब मैंने क्या डिसाइड किया है, कौन सी बुक स्टार्ट करना है, तो ये वीडियो में सबसे पहले आपको ये पता चलेगा, फिर किस बुक को कितने वोट मिले हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, और जो तीसरा पॉइंट है, वीडियो और चैनल को मिल रहे प्यार पर आप लोगों के नेम और कमेंट, ठीक है। तो जिन लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं और मुझे मैसेजेस भेजे हैं, उन सभी के नेम आज मैं यहां पर लेने वाला हूं, ठीक है। तो जिस तरह से आप लोगों ने इतने कम टाइम में ओ लेवल गुरुजी को इतना सक्सेसफुल बनाया, उसके लिए सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को थैंक यू देना चाहता हूं, ठीक है। और क्या है कि आपको पता है कि सिर्फ ओ लेवल गुरुजी पे वही काम होता है जो आप लोग चाहते हो। आपकी डिमांड थी, वैसे मेरा, मैंने आपको पहले ही बताया है कि मेरा कोई प्री प्लान नहीं होता है किसी भी क्लास के लिए। जो आप लोग चाहते हो, हमारा बस यही काम होता है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी वो हम लोग फुलफिल करते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट थी सर बायबा के क्वेश्चंस की, हम लोगों ने आपको बायबा के क्वेश्चंस प्रोवाइड किए, प्रैक्टिकल की क्लासेस, प्रैक्टिकल की क्लासेस। अब आपकी ही डिमांड पर कौन सा मुझे बुक पढ़ानी है, कौन सी बुक मैं लेके आ रहा हूँ, ये आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। ये कोई क्लास नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पर आपकी बात की जाएगी, बाकी क्लासेस हमारी कंटिन्यू चलती हैं और आपके प्रैक्टिकल बहुत अच्छे हुए हैं, काफी अच्छे मैसेज आए हैं, उसके लिए कांग्रेचुलेशन कि आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से चैनल को प्यार दिया। और सबसे अच्छी बात क्या है, आप लोगों ने पूरी पूरी क्लासेस को अटेंड किया हुआ है, ओके। इसी तरह हम लोगों के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी दीजिए ओ लेवल गुरु जी के बारे में, जिससे सभी लोग हमारी फ्री क्लासेस का बेनिफिट ले सके। अभी जैसे कि आपको मैंने जो थ्री आपके M1 M2 M3 तक मैंने बायवा की और प्रैक्टिकल क्लासेस प्रोवाइड कराई थी, क्योंकि काम टाइम थोड़ा सा कम रहा, इस वजह से M4 की नहीं करा पाए हैं, और M4 की डिमांड भी हमारे पास बहुत कम आई थी, ठीक है। काफी कम स्टूडेंट्स ने बोला है कि सर M4 की प्रोवाइड कराइए, तो इसके रिकॉर्डिंग नहीं आ पाया। बाकी क्या है कि अब जैसे कि आपके जो नेक्स्ट एग्जाम होंगे वो जुलाई में, जुलाई तक आप लोगों की जो भी मैं बुक स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है, कितने वोट मिले हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूं, किस बुक को कितने वोट मिले हैं। तो जो बुक रहेगी उसकी जुलाई में भी तैयारी करवाई जाएगी, और इस बार जो तैयारी होगी, जैसे आप लोगों को पता है चैनल नया है ना, और इस इतने कम टाइम में आप लोगों ने इतना प्यार दिया है चैनल को, तो इसी से हमें क्या एक मोटिवेशन मिला है, जिससे हम लोग और अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो काफी अच्छे कॉमेंट्स आए हैं, तो सबसे पहले अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों को कितने कितने वोट मिले हैं, ठीक है। जैसे कि पहला मैंने बताया कि जो भी जितने वोट मिले हैं आपके सामने आएंगे, और मैं कम्युनिटी टैब पे सब कुछ बता देता हूं, और जिसने जितने वोट, जैसे कि मैंने कम्युनिटी टैब पे बताया था आप लोग कौन सी क्लास पढ़ेंगे, जिसको जिस भी बुक को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही क्लास मैं स्टार्ट करूंगा, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि किस क्लास को हमारे कितने वोट मिले हैं, ठीक है। तो देर ना करते हुए सबसे पहले आप खुद ही देख लीजिए कि वोट कितने मिले हैं। जैसे कि एक दिन पहले मैंने यहाँ पे ओ लेवल गुरु जी की तरफ से पोस्ट किया गया था, प्रैक्टिकल के बाद आप ओ लेवल की कौन सी बुक पढ़ना चाहेंगे, जिस पर सबसे ज्यादा बुक आएंगे ओ लेवल गुरु जी उसी बुक को पढ़ाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखिए, आप खुद ही देख लीजिए, सबसे ज्यादा वोट हमें मिले हैं पाइथन पे, ठीक है। तो आप बताइए, अब आप समझ गए होंगे कौन सी बुक स्टार्ट होने वाली है, पाइथन। आप लोगों की बहुत ही ज्यादा डिमांड आ रही थी पाइथन को लेके, तो अब जिस पे सबसे ज्यादा वोट आए हैं, जैसे ही मैंने बोला था, जो मैंने बोला था वो मैं करूंगा, और यहाँ पे कितने वोट आए, 72% वोट आए हैं हमारे पाइथन पे, ठीक है। ऑल ओवर वोट भी बहुत ज्यादा डाले गए हैं, यहाँ पे 490 के करीब वोट आए हैं, 491 वोट्स आए हैं, जिसमें करीब 72% वोट हमारी पाइथन लैंग्वेज को मिले हैं। तो मतलब इसमें क्या है, आप लोग बहुत ज्यादा चाह रहे हैं कि अभी मैं आपको पाइथन शुरू करूं, तो बिल्कुल पाइथन का बैच आपका शुरू किया जाएगा अब आपका M1। लेकिन एक मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं, कुछ चीजें, दो बुक आपकी चलेंगी, पाइथन तो चल रही है, एक्चुअली हमारी M1 की क्लासेस, जो लोग M1 पढ़ना चाह रहे हैं, 4% वोट मिले हुए हैं, जो लोग M1 चाह रहे हैं, M1 की ऑलरेडी क्लासेस हमारे चैनल पर हैं, ठीक है ना। M1 क्लासेस के नाम, M1 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, ओ लेवल M1 R5 के नाम से,
प्लेलिस्ट बनी हुई है, बस उसमें अभी कंप्लीट क्लासेस नहीं है। कैलसी तक हमारी क्लासेस हो गई थी, तो एक तो हमारी कंटिन्यू कैलसी की क्लासेस चलेंगी और आप लोगों को पाइथन की भी क्लासेस मिलेंगी। अब ये कब से शुरू हो रही है इसके लिए मैं एक वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी कंटेंट भी आप लोगों के लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपकी डिमांड जिस हिसाब से आई उस हिसाब से कंटेंट भी आप लोगों के लिए तैयार करना है। और कब से शुरू हो रही है कम्युनिटी टैब पे पता चल जाएगा, और आईटी टूल्स के जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं तो वो ऑलरेडी क्लासेस हैं, कैलसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो कैलसी के आगे कंटिन्यू क्लासेस, अब जैसे आज आपके प्रैक्टिकल्स बाय बाय कंप्लीट हो जाएंगे कुछ स्टूडेंट्स के, बाकी जो क्लासेस स्टार्ट होगी, क्योंकि मुझे पता है कुछ स्टूडेंट्स के बाय बाय ज्यादातर कंप्लीट हो ही चुके हैं प्रैक्टिकल, और वो तो जहां मोस्ट प्रोबेबली पाइथन की क्लासेस आपको मिलेगी 15 फरवरी से, ओके 15 फरवरी से पाइथन आपकी स्टार्ट हो जाएगी। जो भी रहेगा टाइम वगैरह सब आपको कम्युनिटी टैब पे या किसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। तो जो भी आप लोग जो भी चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बने हुए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि कुछ नोटिफिकेशन आपको मिलने वाली है, ठीक है ना, तो वो आप लोग जरूर देखिएगा। इसके बाद तो ये बात तो आपकी क्लियर होगी कि आपको पाइथन पढ़ने के लिए मिलने वाला है। अब आपको मैं दिखाता हूं किन लोगों ने पाइथन के लिए कमेंट किया। तो देखिए सबसे पहले कमेंट हमारे पास आया था, जैसे कि ये तो कमेंट आया था आज के M2 प्रैक्टिकल पेपर में पूरा क्वेश्चन आपके प्रेलिट से फंसा था, एकदम डिट्टो कॉपी क्वेश्चंस, ठीक है। ये कमेंट्स आया था हमारे पास यूजर YM3BT3UP की तरफ से आया हुआ था, ठीक है। ये जो कमेंट है ये तो इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, पहले पाइथन के रिगार्डिंग कमेंट सुनिए आप लोग। देखिए पहला कमेंट जो हमें अभी मिला हुआ है ये मिला है रनिंग टाइम वर्कआउट 8341 की तरफ से, जिसमें आया है M3 R5 पाइथन की क्लासेस लाइन, ठीक है। तो पहला कमेंट आपका ये हो गया। दूसरा कमेंट हमारे पास आया है प्रियल जी का, प्रियल जी ने लिखा है सर M3 स्टार्ट कर दीजिए प्लीज, ठीक है। उनकी रिक्वेस्ट भी देखिए यहाँ पर जो रिक्वेस्ट आई है और बोर्ड के अकॉर्डिंग रिक्वेस्ट बिल्कुल यहाँ पे एक्सेप्ट है बिल्कुल। यहाँ पर अंशुल साहू का हमारे पास मैसेज आया सर माई हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज स्टार्ट टू पाइथन क्लास ऑनलाइन, ठीक है। इन्होंने हम्बल रिक्वेस्ट की है, मतलब बहुत ज्यादा चाह रहे हैं कि ऑनलाइन पाइथन की क्लास स्टार्ट हो। इसके साथ थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट कमेंट आया हमारे पास वो आया है जानवी गुप्ता का सर M3 पढ़ेंगे, ठीक है ना। मैंने जैसे पूछा उनका सर हम लोग M3 पढ़ेंगे। नेक्स्ट है जो कि मिला है हेल्पफुल क्लास थैंक यू सो मच सर। इसी तरह से सर आप पाइथन की क्लास स्टार्ट कर दो, जो कि फिर से रनिंग वर्कआउट की तरफ से काफी आया है हमारे पास। नेक्स्ट आया है कि सर जी पाइथन पढ़ाइए यूजर इज 3Z की तरफ से आया है हमारे पास मैसेज। नेक्स्ट ये पाइथन के और भी बहुत सारे और मेरे पास मोबाइल पे भी मैसेज आए हुए हैं, तो ये पाइथन की डिमांड की जा रही है। तो आप सभी की रिक्वेस्ट पे मैंने आप लोगों की जो रिक्वेस्ट है पाइथन की, तो मैं पाइथन ही शुरू करने वाला हूं, ठीक है। तो बहुत सारे कमेंट्स आए हैं लेकिन किसी के बहुत सारे इतने कमेंट्स थे कि स्क्रीनशॉट मैं किसी का सभी का नहीं ले पाया हूं, लेकिन इस वीडियो के एंड में आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपकी डिमांड पर वीडियो आई। तो इसी तरह से मैं हमेशा आपको आप लोगों के नेम को बोला करूंगा, क्योंकि आप लोग जितने अच्छे कमेंट्स करेंगे सारे कमेंट्स में के लिए मैं वीडियो बनाया करूंगा, ठीक है। तो जैसे कमेंट्स आएंगे वो आपको बताऊंगा। तो ये तो बात आई यहाँ पे पाइथन के लिए, और भी कमेंट्स आए हैं लेकिन मैंने कुछ ही सिलेक्टेड कमेंट्स लिए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि जो हमने अपने चैनल पर तैयारी कराई है, ठीक है, तो उन लोगों के नेम जिसकी बात है वीडियो चैनल को मिल रहा है प्यार पर, आप लोगों के नेम और कमेंट, तो क्या क्या कमेंट्स आए हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो देखिए सबसे पहला कमेंट्स आया हमारे पास अनन्या मिश्रा जी का, जिसमें थैंक यू सर सब आपका पढ़ाया हुआ पेपर में आया था आज का, ठीक है। तो जितने एक्चुअली कमेंट्स, अनन्या मिश्रा जी के एक कमेंट्स नहीं है, हर वीडियो में कमेंट्स है, लेकिन इतने कमेंट्स मैं नहीं ला सकता, इसलिए मैंने कुछ कुछ सिलेक्टेड कमेंट्स यहाँ से एक एक कमेंट्स ले लिया। तो सभी वीडियो में इसी तरह से इनका प्यार बना है चैनल पे, ठीक है, और सभी स्टूडेंट्स का प्यार इस चैनल पे बना हुआ है। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छा आप लोग की वजह से ग्रो किया है चैनल, और आगे भी बहुत अच्छा इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करिए। कंटेंट आपको वो मिलेगा जो आपको कहीं नहीं मिल पाएगा, इस चैनल पर आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, ओ लेवल के अलावा भी बहुत सारे कोर्सेस हैं कंप्यूटर के, सब पढ़ाए जाएंगे। तो अगर अभी तक जो लोग चैनल पर नए आए उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और ये हमारे पास अनन्या मिश्रा जी का था, मतलब जो हम लोगों ने पढ़ाया वो आपको बिल्कुल पेपर में आया। और इतने कमेंट्स आए मेरे पास, इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि सर आपकी क्लास इतनी हेल्पफुल थी कि हम सिर्फ आपकी क्लास देखकर ही गए हुए हैं और सारा क्वेश्चन वही आया, क्योंकि मैंने सारे जितना भी हो सकता था सब कुछ पढ़ा के अपना 100% दिया था और वही सब बायबा में पूछा गया, वही प्रैक्टिकल में आया, तो सभी स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा खुश है। नेक्स्ट कमेंट्स पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट कमेंट हमें आया है आदित्य कुशवाहा जी का, जिसमें लिखा है आज बायबा में बहुत अच्छा हुआ है सर M1 R5 मिला था, मतलब पूरा M1 का मैच किया गया था जो हमने पढ़ाया था। नेक्स्ट कमेंट आया है मोहित पाल स्टडी की तरफ से, सर आपका पढ़ाया ही प्रैक्टिकल में आया, ठीक है ना। ये आप लोग देखिए, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग देखिए कि देखिए कितने अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं चैनल पे,
जो भी पढ़ाया जा रहा है वो सब पेपर में भी आ रहा है। नेक्स्ट कमेंट देखिए, यहाँ पर अंशुल साहू जी का नेक्स्ट कमेंट है जिसमें लिखा हुआ है सर बहुत अच्छा पेपर गया हम लोगों का आज। तो मतलब आप लोग खुद देखिए, ये सिर्फ कुछ मान लीजिए 1% कमेंट मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, ऐसे हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट आया है, नेक्स्ट हमें भेजा है श्रद्धा सिंह ने, थैंक यू सो मच सर, आज का सर बहुत अच्छा है एग्जाम, ठीक है, तो बहुत अच्छा हुआ है। नेक्स्ट कमेंट आया है यूजर जे R5 की तरफ से, R4 की तरफ से आया, सर मेरा भी वाइवा बहुत अच्छा हुआ है, थैंक्स सर, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट आया है मोहित पाल स्टडी की तरफ से, सर 20 में से वाइवा में 18 नंबर मिले मुझे आज, देख रहे। मतलब जिन लोगों को वाइवा की टेंशन थी, कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे सर वाइवा कैसे करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वही स्टूडेंट्स हमारे चैनल से पढ़कर बोल रहे हैं कि सर 20 में से 18 मिले, जबकि वाइवा में ये मिलना मतलब बहुत बड़ी बात है कि वाइवा में आपको इतने अच्छे नंबर मिल रहे हैं। नहीं तो वाइवा में नॉर्मली 12, 10, 12 इतने मार्क्स मिलते हैं, लेकिन 20 में से 18 का मतलब समझ में आता है कि आप लोगों ने कितने अच्छे से पढ़ाई की हुई है चैनल से, जिससे आप लोगों को इतने अच्छे नंबर मिले हैं। नेक्स्ट कमेंट्स भी देखिए, नेक्स्ट कमेंट फिर से आया है मोहित पाल स्टडी की तरफ से, सर आपका पढ़ा है ही प्रैक्टिकल में आया है, ओके। नेक्स्ट कमेंट आ रहा है मारिया सिद्दीकी की तरफ से आया, थैंक यू सो मच डियर सर, आपकी क्लासेस की वजह से मेरा प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है, थैंक यू सर जी, रियली रियली थैंक यू, थैंक्स फॉर यू। देखा कितना प्यार आप लोगों का चैनल पे बना हुआ है, इसी प्यार को देखते हुए इतना हमें मोटिवेशन मिलता है अंदर से, तभी हम लोग अच्छे से अच्छा कंटेंट ला सकते हैं, लाते हैं और लाते रहेंगे। बस इसी तरह से अपना प्यार बनाते रहिए, बनाए रखें अपने चैनल पर, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करने के बाद सब्सक्राइब भी करवाएं, ताकि हम लोग और भी ज्यादा मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और भी अच्छा वीडियो ला सके। नेक्स्ट आते हैं, ये देखिए, ये तो बहुत ही डिफरेंट कमेंट्स आया है, आप लोग देखिए क्या लिखा हुआ है। एसके कश्यप जी का है ये कमेंट, लिख रहे हैं सर आपने एग्जाम के टाइम बहुत हेल्प की, जो जो हमने कंटिन्यू फ्री वीडियो दी, जो भी हमें कंटिन्यू फ्री वीडियो दी, थैंक्स सर, पास हो तो 1 kg स्वीट का डिब्बा लाऊंगा आपके लिए। देखिए अब ये देख लीजिए कितना प्यार बन रहा है चैनल पर, आप लोग कितना प्यार दे रहे हैं कि मतलब स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर 1 kg मिठाई का डब्बा भी हमारे लिए लाएंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार बनाने के लिए चैनल पे, ठीक है। तो आप लोग देख रहे होंगे, जो लोगों ने भी अभी तक क्लासेस नहीं ली हैं चैनल के, आप लोगों को सारी क्लासेस हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, नहीं तो आप लोग क्या करें चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में जाके सारी क्लासेस बनी हुई है, ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट में M1, M2, M3 की क्लासेस हैं, प्रैक्टिकल की जो भी तैयारी की हुई है, वाइवा की जो तैयारी कराई गई है, सब कुछ आपको मिल जाएगी। अभी लास्ट में मैं आपको बता दूंगा आपको कैसे चैनल में विजिट वगैरह करना है, क्योंकि देखो अभी सभी के प्रैक्टिकल नहीं हुए हैं कंप्लीट, कुछ लोगों के हो सकते हैं कल हो परसों हो, तो जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है वो हमारे चैनल से कर ले, और आपको कमेंट्स आपके सामने है कितने बच्चे कितने खुश हैं, है ना, पढ़ के कितने खुश हो रहे हैं कि कितनी अच्छी उन्हें पढ़ाई और एग्जाम का मटेरियल मिला। आगे नेक्स्ट कमेंट है हमारे पास जो कि भेजा गया है यूपी, जो कि लिखा है यूपी पीसीओ 9323 जी की तरफ से है, सर आपकी क्लासेस हेल्पफुल है प्रैक्टिकल और वाइवा के लिए, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आया हमारे पास यूजर के नाम से, फिर से ये है, नेम नहीं लिखा है, आज के M2 प्रैक्टिकल में पूरा क्वेश्चन आपकी प्लेलिस्ट से फंसा था एकदम डिट्टो कॉपी सर, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर ये वाला कमेंट्स भी हमारे पास आया हुआ है, आई थिंक ये नेम तो इसमें नहीं आ रहा है, लेकिन नेम था शायद प्रेरणा साहित्य की तरफ से ये आया है मेरे पास, जो मेरे आया है कमेंट प्रेरणा साहित्य की तरफ से, ओके। तो ये इस तरह से आपने देखा है, जो नेक्स्ट अनन्या मिश्रा का ही आ गया, तो ऐसे ही मैंने क्या है यहाँ पे लिखा है थैंक यू सर आपका पढ़ाया हुआ पेपर में आया था आज के। तो यहाँ आपने देखा कितने सारे कमेंट्स आए, ये सिर्फ कमेंट्स में बहुत ही कम, मतलब ये देखिए मैंने मात्र 1% भी ये पूरी कमेंट्स लिए, जिस तरह से मैसेजेस और कमेंट्स आ रही है, तो अगर इस वीडियो को बनाया जा रहा है तो ये वीडियो हमारा 1 घंटे का हो जाएगा, इतना प्यार चैनल पे मिला हुआ है। तो थैंक्स यू फॉर ऑल ऑफ यू, जिस तरह से आप लोगों ने ओ लेवल गुरु जी को प्यार दिया हुआ है, इसी तरह से अपना सपोर्ट चैनल पर बनाए रखें। आगे मुझे ये भी बताते रहिए, जैसे कि आप लोगों ने वोटिंग की है, वोटिंग में आपने बताया कि सबसे ज्यादा जो आप लोगों ने डिमांड की है वो पाइथन लैंग्वेज की आई है, ठीक है। जैसे कि ये वोटिंग आपने की हुई है, इसमें आपने पाइथन को सबसे ज्यादा वोट दिया है। आगे आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं कंप्यूटर में, ठीक है, कौन कौन सी चीजें आप पढ़ना चाहते हैं मुझे बताते रहिए, और कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए। जिस तरह से आज कुछ लोगों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, ऐसे ही मैं टाइम टाइम पे
अब महीने में एक बार एक ऐसी वीडियो जरूर लाऊंगा जिसमें जिसने जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी जो पढ़ना चाहते हैं और जिसने भी जितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स किए होंगे सबके लिए एक वीडियो आएगी। इसी तरह अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे और अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाने की, ठीक है। बाकी आप लोगों के पास पता ही है, आप लोगों को चैनल हमारा ओ लेवल गुरुजी में सारी क्लासेस अवेलेबल है, ओके। बाकी अब जिन लोगों के भी क्या है प्रैक्टिकल अभी हुए नहीं है, होने वाले हैं, उनको लिए मैं बता देता हूं कि उनको करना क्या है, ठीक है। सिंपल सा आप लोगों को हमारे चैनल पर आना है, ओ लेवल गुरुजी पर आने के बाद, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ओ लेवल गुरुजी को आप जैसे ही ओपन करेंगे, ओपन करते ही आपके सामने हमारा पेज आएगा। होम पर आने के बाद आपको प्लेलिस्ट पर आना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग प्लेलिस्ट पर एंटर करेंगे, यहां पर देखिए सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। M2 ओ लेवल M2 प्रैक्टिकल क्लासेस आपको यहाँ मिल जाएंगी, M1 R5 प्रैक्टिकल की क्लासेस यहाँ मिल जाएंगी, इसी में आपको बायबा मिलेगा, इसी में आपको कंप्लीट मिल जाएगा। और ओ लेवल M3 अभी हमारी स्टार्ट होगी, लेकिन यहाँ पे पेपर का सॉल्यूशन है। यहाँ ओ लेवल M2 ये प्रैक्टिकल की क्लासेस है, यहाँ पे बायबा है, यहाँ पे ये प्रैक्टिकल के ऑलरेडी हम लोग क्लासेस करवा चुके थे, बट यहाँ पे कुछ मैराथन क्लासेस आई थी हमारी, ठीक है, तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा। ओ लेवल M1 R5 की क्लासेस जिसकी मैं बात कर रहा था, जो लोग भी M1 पढ़ना चाह रहे हैं उनको M1 के लिए क्लासेस हमारी ऑलरेडी अवेलेबल है। जस्ट आप लोगों को प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है M1 के लिए। क्लिक करने के बाद आप यहां देखेंगे तो ओ लेवल क्लासेस, व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक है ना, कंप्यूटर जनरेशन, सारी क्लासेस आपको यहां पे मिल जाएंगी। जस्ट आप क्लिक करके देखेंगे तो जिन लोगों को फंडामेंटल्स वगैरह करना है तो यहाँ देखिए हाउ टू इंस्टॉल लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट वगैरह, तो ऑलरेडी यहाँ पर M1 की हमारी कुछ क्लासेस कंप्लीट है, जहाँ की मार्कशीट वगैरह मतलब कैलसी तक हम लोग पहुंच चुके थे, हाउ टू पेज सेटअप वगैरह यहां तक पहुंच चुके थे। तो अब हम लोग इसके आगे फिल्टर भी कंप्लीट हो गया था, इसके बाद से क्या है एग्जाम आ गए थे तो हमने तैयारी करवाना आपकी शुरू की थी, तो बहुत सारी आप लोगों को क्लासेस यहां पे मिलने वाली है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है, यहाँ पूरी मैराथन भी है, इसके भी आप लोग को पढ़ने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्लासेस ऑलरेडी आपको ये वाली क्लासेस मिली जाएंगी जो लोग कंटिन्यू, और कंटिन्यू हम लोग इसके आगे भी करने वाले हैं आप लोगों की के लिए, ठीक है। तो डिमांड तो क्या है M1 की भी आ रही है, कुछ स्टूडेंट्स ने मैसेज पे किया है सर M1 स्टार्ट कर दीजिए, जो लोग न्यू एडमिशन है जिनको जुलाई में एग्जाम देना है तो उनके लिए M1 की क्लासेस भी हम लोग स्टार्ट करने वाले है, तो M1 भी चलेगी। बाकी जिस तरह से जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों का जो बोर्ड आया है वो पाइथन का, तो पाइथन की क्लासेस भी चलेंगी, ठीक है। तो पाइथन की क्लासेस मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को 15 फरवरी से बैच स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा बैच आप लोगों का जो तैयारी रहेगी वो हमारी रहेगी कि आपकी जो तैयारी हो जुलाई के पहले पहले पाइथन को कंप्लीट करवाने की रहेगी, तो ये आपकी कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी, ठीक है। तो आप लोगों की जो डिमांड आ रही थी पाइथन की, वो रिक्वेस्ट ओ लेवल गुरुजी द्वारा एक्सेप्ट कर ली गई है और पाइथन क्लासेस आपकी शुरू होंगी, ठीक है। बाकी जो लोग चैनल पर नए आए थे उन्हें मैंने बता दिया है, सारी क्लासेस आपको इस तरह से मिल जाएंगी। जिन लोगों के प्रैक्टिकल्स वगैरह हैं, अभी जिन लोगों के कंप्लीट प्रैक्टिकल नहीं हुए हैं, वो प्रैक्टिकल के लिए सारी प्रैक्टिकल्स की, ओ लेवल M2 प्रैक्टिकल, M1 के प्रैक्टिकल क्लासेस, बायबा की भी आपको इसी पर मिल जाएंगी, ओके। इसके साथ ही साथ क्या है कि हमारी वेबसाइट है careersknowledge.in, इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट करिए तो ओ लेवल का पूरा मटेरियल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो भी हमने क्लासेस करवा चुके हैं वो मटेरियल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, फंडामेंटल्स, क्वेश्चंस, लिब्रे ऑफिस, जो भी सारे यहाँ पे रहेंगे सब कुछ आप लोगों को हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, careersknowledge.in। जस्ट आपको यहाँ पे टाइप करना है, याद रखिएगा यहाँ पे कैरियर्स नॉलेज, ठीक है। कुछ लोग एस नहीं लगा रहे हैं तो फिर मेरे पास मैसेज आ रहा है कि सर वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, ठीक है। अगर हमें एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये डोमेन होता है, डोमेन नेम कैसा होता है हमारा, केस सेंसिटिव, अगर हम लोग कुछ भी गलत करेंगे तो वो हमारा नहीं देगा, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा इश्यू आ रहा है ओपन होने में, ठीक है, 1 मिनट। careersknowledge.in आपके सामने इसका होम पेज आएगा, इस पे ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओ लेवल के लिए अवेलेबल है, ये हमारे इस पे सभी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। मतलब कि अगर आपको जानकारी चाहना है कि 10th के बाद क्या करें, 12th के बाद क्या करें, तो एक करियर ऑप्शन हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, उसके साथ ही साथ ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहिए, क्योंकि देखिए वेबसाइट का नाम है careersknowledge.in, मतलब कैरियर्स के बारे में पूरी नॉलेज आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जैसे कि 10th के बाद क्या करना है, 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद करियर के कौन कौन से ऑप्शन है, जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि कौन कौन से ग्रेजुएशन के बाद ऑप्शन है, तो जस्ट क्लिक करेंगे तो ग्रेजुएशन के बाद क्या बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहिए, कहाँ कहाँ जाना चाहिए, वो सब आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो आप इसके ऊपर भी, मैं पूरी वेबसाइट के ऊपर पूरा रिव्यू कर चुका हूँ चैनल पे, तो आपको वो भी मिल जाएगा देखने के लिए कि चैनल में
हमें इस वेबसाइट पे विजिट कैसे करना, कहाँ कौन सी जानकारी हमें मिलेगी, सब कुछ मैं बता चुका हूँ। जैसे ग्रेजुएशन करियर ऑप्शन पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया आईटी सेक्टर क्या है, तो पूरी जानकारी यहाँ मैंने हिंदी में ही दी हुई है, ठीक है, जिससे कि दोनों ही लोग पढ़ सके, हिंदी वाले और इंग्लिश वाले। तो एमसीए डिग्री क्या है ना, इस तरह से सारा आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी यहाँ पे, कि एमसीए के बारे में जानना चाह रहे हैं और एमबीए के बारे में जानकारी चाह रहे हैं। ओके, तो आप लोग इस वेबसाइट को अच्छे से देख लीजिए, सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, सारे कोर्स पूरे आपके लिए। सबसे बड़ी बात क्या है, आप लोग जैसे ओ लेवल कर रहे हैं तो बहुत हेल्पफुल है, किस फील्ड में आपको करियर बनाना है सब कुछ आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। जैसे ये फुल है, जस्ट आपको क्लिक करना है, क्लिक करते ही ये वेबसाइट आपके सामने पूरी ओपन है। जैसे इसरो क्या है, काफी नाम सुना होगा, तो इसरो के बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो सब कुछ यहाँ हिंदी में दिया है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी जो कंप्लीट वेबसाइट है, इसका आप रिव्यू कर लीजिए एक बार, जैसे मैं बता चुका हूँ, आप लोग उसको चेक कर लीजिए। ओ लेवल पे आएंगे तो ओ लेवल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ओ लेवल का पूरा मटेरियल आपको ओ लेवल वाले बटन पे मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका ओ लेवल वाले बटन पे आएंगे तो देखिए सारा मटेरियल ओ लेवल से, यहाँ तक कि प्रैक्टिकल की क्लासेस भी यहाँ पे, जैसे कि जिन लोगों की प्रैक्टिकल अभी होने वाले हैं उन लोगों के लिए हेल्प रहेगी कि प्रैक्टिकल में लिखना कैसे है, तो यहाँ मैंने सब कुछ बताया हुआ है। जस्ट आपको क्लिक करना है, क्लिक करते ही पूरे स्टेप बाय यहाँ पे सॉल्यूशन कोडिंग्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे गिवेन है, तो आप लोग ये अपनी तैयारी कर लीजिए, ठीक है। बाकी जिन लोगों का प्रैक्टिकल हो गया है काफी अच्छा हुआ, उन सभी के लिए कांग्रेचुलेशन, और चैनल को पर इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाइए और चैनल को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी इस चैनल पर अपना ऐसी सपोर्ट बनाइए। और आप लोग किस तरह की कंप्यूटर में कौन सा कोर्स पढ़ना चाहते हैं, हाँ एक बात और बता देना चाहता हूँ, कुछ लोग मेरे पास मैसेज कर रहे हैं ट्रिपल सी के लिए, तो देखो स्टूडेंट्स ट्रिपल सी की क्लासेस आप लोगों के लिए ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पर आएंगे हमारी प्लेलिस्ट में ओ लेवल M1R5 क्लासेस, तो ये ट्रिपल सी की क्लासेस है, तो इसमें आपको क्लासेस आप यहाँ से कंटिन्यू करिए। जो ओ लेवल M1 होता है वही हमारा ट्रिपल सी की फर्स्ट बुक होती है, तो कंप्लीट यहाँ पे आप देखेंगे कि फर्स्ट बुक ऑलरेडी यहाँ पर मिल जाएगी, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा, ठीक है, तो वहां पर आपको मिल जाएगा। क्योंकि जो M1 प्लेलिस्ट है ये जस्ट आपको क्लिक करना है, क्लिक करते ही ये पूरी हमारी किसकी क्लासेस मिल जाएंगी आपको, यही क्लासेस आपको मिल जाएंगी, पूरी जो क्लासेस रहेंगी वो ट्रिपल सी वाले भी अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो जस्ट आपको क्लिक करना है। तो जो ट्रिपल सी करने के लिए बोल रहे हैं मुझसे, तो मैंने उनको बता दिया है आप लोग M1R5 की क्लासेस अटेंड करिए, पूरा वो ट्रिपल सी का ही मटेरियल वहां पे रहता है। सारी प्लेलिस्ट के नाम बने हुए हैं, सभी प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज की जो स्पेशल क्लास थी वो हमारी कंप्लीट हुई, स्पेशल क्लास आपकी बोर्ड पर पाइथन ही शुरू की जाएगी, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, लाइक नहीं किया हो तो लाइक करिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, सब कुछ आपको कम्युनिटी टैब पे मिल जाएगा, डेली आप लोग चेक करते रहिए और वेबसाइट पे भी विजिट करते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।